नमस्कार, मैं रजत, आप देख रहे हैं जनता फोरम। इस वक्त हम कलेक्ट्रेट ऑफिस में मौजूद हैं, जो जिलाधिकारी का ऑफिस है। हमारे साथ एक हुजूम मौजूद है। क्या नाम है सर आपका? सुबोध श्रीवास्तव। सर, क्या ज़रूरत पड़ गई यहाँ पे आने की आपको? देखिए, मैं आपको पहले परिचय बता दूँ। मेरा नाम सुबोध श्रीवास्तव है, मैं राष्ट्रीय मानवाधिकार का सुरक्षा परिषद का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। यहाँ पर आने की आवश्यकता युवान पड़ी, चूँकि अभी परसों अचानक ये आदेश आता है कि साहब लखनऊ और आसपास के लखनऊ के 13 जिलों में पटाखा बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया। उस आदेश का हृदय से स्वागत है, परंतु उस आदेश के साथ साथ जो समस्याएं आ रही हैं उन पर भी ध्यान देना आवश्यक है। पहली समस्या ये है कि जिन व्यापारियों ने पहले से माल खरीद रखा है उनका क्या होगा? पटाखे के लाइसेंस जिन्होंने अप्लाई किए हुए थे उनको लाइसेंस मिल चुका है, उनका क्या होगा? यदि पटाखा बेचने पर प्रतिबंध लगाना था तो आपको पहले बताना चाहिए था, और आपको लाइसेंस देने की प्रक्रिया पहले आपको रोकनी चाहिए थी। आप एक तरफ लाइसेंस भी दे रहे हैं, दूसरी तरफ प्रतिबंध भी लगा रहे हैं। और अगर प्रतिबंध प्रदूषण के कारण लगा है तो प्रदूषण तो पूरे देश में होना चाहिए, पूरे प्रदेश में होना चाहिए। इन्हें 13 जिलों में ही प्रदूषण होगा, बाकी के और जो ज़िले हैं उनका आप हमको प्रदूषण का स्तर बता दीजिए। क्या वहाँ प्रदूषण शून्य है तो वहाँ पर रखे जलाइए, आप कोई इतराज़ नहीं है। अगर प्रदूषण यहाँ पर होगा तो प्रदूषण अन्य ज़िलों में भी होगा। तो प्रतिबंध अगर यहाँ पर है तो प्रतिबंध पूरे देश और पूरे प्रदेश में होना चाहिए। अब ये जो व्यापारी उधार लेकर के, ऋण लेकर के प्राइवेट फाइनेंसर से मोटी मोटी ब्याज दरों पर पैसे उधार लेकर के अपना माल खरीद के ले गया है, ये माल बेच सकते नहीं। 3 दिन के लाइसेंस की अवधि होती है, लाइसेंस की अवधि के बाद में ये माल इनका जो है गैरकानूनी हो जाएगा। इस माल को अपने घर पे स्टोर नहीं कर सकते ये, तो आखिर करेंगे क्या? ये माल बेच सकते नहीं, माल जला सकते नहीं, पटाखा जला सकते नहीं, पटाखे को स्टोर नहीं कर सकते, तो इस माल का करेंगे क्या? करिए, इस बात का शासन से जवाब चाहिए। एक बात मैं यहाँ पर रोक के बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो बाकी हमारे भाई लोग मौजूद हैं, ये लोग इसी उम्मीद में थे कि लॉकडाउन में जो इनका व्यवसाय डिस्टर्ब हो गया था, इसी उम्मीद में थे कि दिवाली आएगी और दुकानें लगा के अपना जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करेंगे। हमारे साथ कुछ लोग हैं, आप बताइए क्या नाम है भैया आपका? राजा। हाँ राजा, राजा क्या कहना चाहेंगे आप? सर, हम लोग कर्जा लेके रुपये लेके आए हैं जी, बताइए हम लोग क्या करेंगे अब? तो मतलब कर्जा लेके आपने पटाखे खरीदे हैं जी, तो कैसे काम चलेगा? अब तो बैन कर दिया सरकार ने, अब तो ब्याज भी भरना पड़ेगा जी, और जो कर्जा लिया वो तो देना ही देना पड़ेगा, और जो नुकसान हुआ वो तो हो ही रहा है। तो अब क्या करेंगे आप? क्या करेंगे, आत्महत्या करेंगे और क्या करेंगे? नहीं, आत्महत्या मत करो, आप क्या कहेंगे? सर, हम क्या कहें, अगर बैन करना ही था तो करीब कम से कम 2-3 महीना पहले जैसे आगरा में हो गया था, तो व्यापारी अपना ये सब जो माल खरीद के ला चुका है, अपने घर पे रख चुका है, ये सब क्या करेगा फिर माल? पप्पू के स्वागत अलग से भी कहो उठा लीजिए माल, बंद कर दें अंदर, कहो आतंकवादी घोषित कर दें, क्या कहेंगे सर? सर, कहना चाह रहे थे अगर इनको प्रतिबंध लगाना ही था तो वो हम लोगों को 1-1.5 महीने पहले ही बता देते हैं। अगर प्रतिबंध अर्जेंट में भी लगाना था तो इन्होंने फॉर्म क्यों बांटे? लाइसेंस का फॉर्म नहीं बटना था, ना ही ट्रेजरी जमा होनी थी। सब होने के बाद हम लोगों का पैसा जो लगा हुआ है तो वो हमको वापस कैसे मिलेगा? क्योंकि दुकानदार भी अपना पैसा नहीं देगा, क्योंकि वो भी कहेगा कि पटाखे बैंड हो गए हैं तो मैं आपको पैसा कहाँ से दूँ? और जो हम लोगों ने पटाखे खरीदे हुए हैं, जो हम लोगों का पैसा लगा हुआ है, वो कहाँ से निकलेगा? अगर यार सरकार कह दे कि हाँ आप 1 साल अपने पास पटाखे रखें, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो हम लोग रख लें। अभी हम लोग रख भी ले रहे हैं पटाखे, तो हम लोग को पुलिस परेशान करेगी, वो हम लोग को क्षति पहुंचाएगी, और मौका पड़ा तो हम लोग को आतंकवादी को घोषित कर दे कि आप लोग अपने घर में बारूद रखे हुए हैं। यहाँ पे आपने सबकी बात सुनी, सबका एक ही सवाल है कि अगर बैन होना तो पहले उसे हो जाता, जिसकी वजह से इनका पैसा ना बर्बाद होता, ये कुछ और व्यवसाय कर लेते, ये पटाखे ना खरीदते। आपने इनकी बात सुनी कि किसी ने जेवर रख के पटाखों की खरीदारी करी है, किसी ने उधार व्यवहार लेके खरीदारी करी, एक बड़ा सवाल है। सरकार के फैसले का सभी स्वागत कर रहे हैं कि बैन होना चाहिए पटाखे, मगर अगर पहले से बैन हो जाता तो इन लोगों का पैसा ना बर्बाद हो जाता, इन लोगों का यही सवाल है। अब देखना ये है कि सरकार अपना क्या पक्ष रखती है, इनको क्या सुविधा देती है, कैसे इनका जो पैसा फंसा हुआ है उसका क्या निस्तारण निकलता है। चैनल से बने रहें, जो भी अपडेट होगी आप तक पहुँचती रहेगी। शुक्रिया।